महाराष्ट्र के पालघर में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। महाराष्ट्र में जारी भीषण गर्मी का कोहराम, विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में सितम ढा रहा है सूरज। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में सूखे से बुरा हाल, राज्य के 14,679 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है सरकार। गांव में टैंकर के पानी से कुओं को भरा जा रहा है, खेतों की सिंचाई को लेकर किसान चिंतित। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के एनकाउंटर के विरोध में कल नक्सलियों ने बुलाया बंद, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी। पुणे में 25 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद, एलआईसी की रकम बैंक में जमा कराने जा रहे सिक्योरिटी वैन कर्मचारी से लूटा बैग। अहमदाबाद में इसरो संकुल में लगी भीषण आग, एक शख्स के जख्मी होने की खबर। गुजरात के भुज में कबाड़ की दुकान में धमाका, हादसे में की मौत, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पानी की टंकी में फंसा मगरमच्छ वन विभाग ने निकालकर तालाब में छोड़ा। महाराष्ट्र की भिवंडी की अदालत में 12 जून को पेश होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आरएसएस पर बयान के बाद दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा। सोलापुर विश्वविद्यालय के साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग ने भी जोर पकड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखने की मांग। कल होगी जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक, टैक्स रिटर्न सरलीकरण करने के अलावा जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर होगा विचार। इस साल दिसंबर तक डिजिटल पर विज्ञापन खर्च बढ़कर 12,046 करोड़ रुपए होने का अनुमान, सालाना 30% की दर से तेज, 130 रुपए की गिरावट के साथ 32,000 प्रति तोला हुआ सोने का दाम, चांदी में 50 रुपए की गिरावट। जनवरी मार्च तिमाही में 10 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची, दुनिया भर में सोने की डिमांड करीब 1,000 टन रही सोने की खपत। 73 अंकों की गिरावट के साथ 35,103 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 38 पॉइंट गंवा कर 10,679 पर बंद। बीएमडब्ल्यू ने लॉन्च की मिनी कंट्रीमैन, करीब 35 लाख से 41 लाख रुपए है कीमत। नियमों का पालन न करने पर 50,000 आधार ऑपरेटर्स ब्लैकलिस्ट, यूआईडीएआई ने कहा मजबूत प्रक्रिया के तहत मिलती है सेंटर्स को मान्यता। एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा को पत्रकार विकी लालवानी ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस, कपिल पर फोन करके पत्रकार को धमकाने का आरोप। संजय दत्त अपनी मां नरगिस की 37वीं पुण्यतिथि पर हुए भावुक, सोशल मीडिया पर मां के साथ की एक तस्वीर शेयर। अभिनेता रणवीर सिंह जल्दी फिल्म सिम्बा की तैयारी शुरू करेंगे, इस फिल्म में रणवीर के अपोजिट होंगी सारा अली खान। खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।